हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग। एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। फिलहाल मैं अपने हॉस्टल के बाहर ही खड़ा हूँ और ये पीछे जो दिख रहा है ये हमारा हॉस्टल है, हॉस्टल 2 और समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। और इस हॉस्टल में बहुत लोग ऐसे थे, डिसाइड कर रहे थे या बात कर रहे थे कि जो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल कैसा है और अंदर से कैसा है। तो बेसिकली हमारा दो हॉस्टल है, एक हॉस्टल 5 है, एक हॉस्टल 2 है, जिसमें हम ऐसे रहते हैं। और वैसे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, तो मैं बात करता हूँ कि मेरे हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या चीज़ें हैं, मैं अंदर दिखाता हूँ। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। से जहाँ से हम हॉस्टल के अंदर जाते हैं, समर्स में जब आती है तो समर्स में इस तरह का फूल वगैरह लगाते हैं, लेकिन जब विंटर आता है तो पूरा ये स्नो से एकदम ढक जाता है और अच्छा भी लगता है। और ये सामने एक बिल्डिंग है, ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग जो इस साइड को जो रोड जा रही है, ये रोड जाती है, हमारी फार्मा की क्लास लगती है और हमारा जो रेडियो क्लास लगती है वो लगती है। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, इस रोड से होते हुए यहाँ से बस पास में जो ग्रीन कलर की बिल्डिंग दिख रही है, वो बिल्डिंग के पास ही हमारा बस स्टॉपेज है। और इस साइड के हमारा क्लिनिका की क्लास लगती है, तो ऑलमोस्ट हमारा हॉस्टल के पास ही हमारा सारा कुछ है। और कुछ कुछ क्लासेज है जो थोड़ा सा दूर है, तो बस से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट लगता है जहाँ पर हम जाते हैं। और हमारा सारा कुछ वहाँ पर क्लास लगती है, जैसे हाइजीन वगैरह क्लास हो गई। और ये हमारा एंट्रेंस है, जब कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी बना के पी सकते हैं और यहाँ से पानी ले सकते हैं। ये मेरा मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम हॉस्टल जाते हैं। और ये हमें गाइड इन माय वीडियो, थैंक यू। तो अब मैं दिखाता हूँ बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अपना हॉस्टल है उसमें दो किचन है। एक किचन उस साइड को है, उस एंड पे, और एक किचन इस एंड पे है। जो मैं किचन यूज करता हूँ वो ये किचन है, जहाँ पर मैं यूज करता हूँ ये किचन है। तो इसमें 3 स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, और एक माइक्रोवेव है। तो ये तीनों और 2 सिंक है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो खाना बना रहे हैं, हेलो। और आगे दिखाता हूँ, और जो वॉशरूम है, इधर बॉयज़ के वॉशरूम है, उधर गर्ल्स के वॉशरूम है, दोनों अपना अपना यूज करते हैं। अब मैं ये जो है शावर है यहाँ पर, अब ये शावर है, यहाँ पर हम लोग शावर लेते हैं अंदर की तरफ। और ये है वॉशरूम, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, कॉमन वॉशरूम है यहाँ पर। और हाय, हेलो। और ये यहाँ पर है जो कि ये सिंक है, 3 सिंक इधर है, 3 सिंक इधर है, हर लोग सब कॉमनली यूज करते हैं, ये हमारी कंट्री के नहीं किसी और के। हाय ब्रो, हाय। और ये सारी फैसिलिटी हमारे हॉस्टल में दिया गया है। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है वॉशिंग मशीन। हमारे पास 2 वॉशिंग मशीन है यहाँ पर हॉस्टल में, तो ऐसा है कि मतलब हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जो बॉयज़ का रूम है वो ऑलमोस्ट गर्ल्स का रूम के जैसा सेम ही होता है, बॉयज़ गर्ल्स में ऐसे डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं रूम में दिखाता हूँ बेसिक चीज़ें क्या हैं। एक टेबल ये, और एक बेड, और एक ये बेड, और ये जो पिल्लो, मतलब जो बेड होते हैं गद्दा वगैरह वही देते हैं आपको, पिल्लो कवर, और जो आपको वो है बेड शीट है वो आपको खुद लाना होता है, तो ये लोग अपना खुद लेके आते हैं। तो ये एक रूम में 3 बेड है, 1, 2 और 3, और ये अलमीरा देते हैं। और ये कई डिपेंड करता है कि अगर किसी के पास है तो आप ले सकते हैं, या तो मतलब आपको बाई करना पड़ता है। वैसे कुछ जिम वगैरह, स्पोर्ट वगैरह जहाँ पर हम खेलते हैं, तो ये हॉस्टल के अंदर है और आप 11 बजे तक 11 बजे तक आप एक्सेस कर सकते हैं उस चीज़ को। तो मैं दिखाता हूँ मेरे पास, ये हमारा है स्पोर्ट रूम, जहाँ पर आप खेल सकते हैं। और एक ट्रेडमिल लगी हुई है जहाँ पर कभी भी हम ट्रेडमिल कर सकते हैं, और यहाँ पर खेलने के लिए बनाया हुआ है। 24 आवर एसेस तो नहीं है, पर एक 12 से 1 बजे तक आप खेल सकते हैं, रात में कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली ऐसा है कि अगर आप बोर हो रहे तो आप इंटरटेनमेंट के लिए, और ये सारा कुछ हॉस्टल की तरफ से, ऐसा नहीं है कि आप चार्ज लगता है या कुछ पे करना है, कुछ भी पे नहीं करना है, जब मर्जी आओ खेलो, पढ़ लो, उसके बाद चिल करना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। और कभी कभी नहीं मन किया तो आप ऐसे लेकर आप यहाँ पर आकर बैठ सकते हो, और बाहर का व्यू जो है काफ़ी अच्छा है। ये जो है बेसिकली मैंने बताया पहले भी कि ये ग्राउंड है जो हमारा यूनिवर्सिटी का ही है। और अगर ऐसे देखें, और जो ये है
जो दिख रहा है ये हमारा यूनिवर्सिटी का ही क्लिनिक है जिसमें हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं या पढ़ने के लिए भी जाते हैं, जो कि हमारा सर्जरी वगैरह का जो भी क्लास लगता है यहीं लगता है, और हमारा हॉस्टल से यहाँ जाने का। तो मैं ये सब सारी चीज़ें मैं हॉस्टल का दिखा दिया आपको कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है। यहाँ पर जो किचन वगैरह है काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और मतलब कभी ऐसा परेशानी नहीं होता, रूम्स वगैरह अच्छे बने हुए हैं, एक रूम में 3 लोग रह रहे हैं और काफ़ी स्पेसियस है। 2 टेबल देते हैं, एक टेबल जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं आराम से एक दूसरे के साथ शेयर करके बैठ के, और दूसरा टेबल ये होता है कि जैसे आप खाना वाना बनाते हैं या कोई सामान वगैरह है जिसमें चॉपिंग वगैरह करना बैठ के, तो आप सेपरेटली उससे बैठ के आराम से चॉपिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, तो उसका भी दिक्कत नहीं। दूसरा चीज़ हॉस्टल में जिम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई लोग ऐसा होता है कि आप दूसरे यूनिवर्सिटी में तो आपको जिम करने के लिए इधर उधर जाना पड़ना पड़ता है और अप्रॉक्स 10-15 हज़ार रूपल अप्रॉक्स पे करना पड़ता है, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको दिक्कत नहीं होती है। दूसरा चीज़ कई बार आप नाइट में अगर बोर हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जिस रूम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो एक स्पोर्ट रूम है जहाँ पर आप कुछ खेल सकते हैं, चेस हो गया और TT है जहाँ पर मतलब TT खेल सकते हैं के जा रहा है। तो आई थिंक कि एक हॉस्टल में जितना चीज़ें होनी चाहिए वो काफ़ी चीज़ें हमारे पास प्रोवाइडेड है, तो हमें किसी चीज़ का यहाँ दिक्कत नहीं होती है। और अगर कोई चीज़ें अगर आपको जानना है और कोई चीज़ें चाहिए कि मतलब इसका यहाँ पर क्या है समारा में कैसे है, नहीं है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या जानना है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।